धर्म क्या है धर्म बड़ा कंफ्यूजन है धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन धर्म को लेकर मारा मारी है धर्म को लेकर कंफ्यूजन है धर्म बड़ी महान चीज है सर वेरी नोबल वेरी नोबल और अगर यह आपको समझ में आ गई तो महान बना दे और ना समझ में आए <coughs> तो शैतान बना दे इसीलिए तो मार्क्स कहता है ना कि रिलीजन इज ओपियम किन के लिए सबके लिए नहीं जिनको समझ में नहीं आती है उनके लिए जिनको समझ में आ जाए उनको तो ग्रेट बना दे बुद्ध अगर में किए होते तो कहीं बैंक में बाबू होते रिलीजन समझ में आ गया इमोटल हो गए खुदा हो गए महावीर दादू नानक रायदास धर्म है क्या बेसिकली रिलीजन अब रिलीजन के दो पार्ट हैं एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक युग से पूर्व और एक मॉडर्न वर्ल्ड अब ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बड़ी समझने वाली बात है कि धर्म आधुनिक युग से पहले क्या था <coughs> आधुनिक युग से पहले धर्म संविधान था रिलीजन वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन हा बाइबल वेदास कुरान इनको क्या बोलते थे आप और उसे नॉट रिटन बाय ह्यूमन बींग रिटन बाई गॉड और किंग कौन था गॉड का रिप्रेजेंटेटिव अशोक अपने आप को क्या कहता है देवानाम पीएदसी गुप्ताज अपने आप को क्या कहते हैं परम भागवत अकबर अपने आप को क्या कहता है जिल्ले इलाही तो प्री मॉडर्न युग के आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था कौन इंप्लीमेंट करता था संविधान को राजा लेकिन आज आज मैन मेड संविधान है आदमी द्वारा रचित संविधान और इस आदमी द्वारा रचित संविधान की लिखित संविधान की कहानी कहां लिखित संविधान की कहानी कहां से शुरू हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 1787 तो आज धर्म जो है आज धर्म जो है वो संविधान का दर्जा खो चुका है आज धर्म संविधान नहीं है टूडे रिलीजन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन हाँ कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने रिलीजन को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है पर वो उन्हें नुकसान कर रहा है इट्स हार्मिंग देम धर्म का जो दूसरा फंक्शन था पहला संविधान दूसरा दूसरा था ह्यूमन मैनेजमेंट आदमी का संचालन जिंदगी पूरी पॉलिटी सोसाइटी इकोनमी सब धर्म से जुड़ी हुई थी तो धर्म में सामाजिक नियम थे एक तो संविधान दूसरा जो धर्म का पहलू है सॉरी दूसरा जो धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते वो है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरा सबसे बड़ा पहलू है धर्म का ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा